हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर एक प्रॉब्लम देखेंगे। जो प्रॉब्लम है हमारी वो इस तरीके से है, ड्रॉ द शीयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द ओवरहैंग बीम। तो यहाँ पर हमें एक ओवरहैंग बीम दिखाई हुई है। ये जो इसका बीम का बी पॉइंट है, इससे ये जो बीम है ये ओवरहैंग है और सी पॉइंट तक है, और ए और जो बी पॉइंट है वो इसके सपोर्ट्स हैं, और जो सी है वो इसका ओवरहैंग पार्ट है। तो यानी कि इसका जो लेंथ है वो बीसी है जो ओवरहैंग है, और उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। और इस ओवरहैंग बीम के ऊपर एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, और एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। ये जो बीम है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 7 मीटर है, 5 + 2 = 7 मीटर है, और जो इसका ओवरहैंग पोर्शन है उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, जबकि ए और बी पॉइंट है इनके बीच की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो हमें इसका शीयर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले जो भी हमें डायग्राम बनाना होता है, सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो रिएक्शंस की कैलकुलेशन करते हैं या रिएक्शन की गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो इसके सपोर्ट्स पे डेवलप होंगे, और जो इसके दो सपोर्ट्स हैं वो ए और बी पॉइंट हैं। तो जो रिएक्शन डेवलप होंगे इसके वो ए पॉइंट पर होंगे और बी पॉइंट पर होंगे, और उनको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ए पॉइंट पर जो रिएक्शन डेवलप होगी वो वी ए है, जबकि जो बी पॉइंट पर रिएक्शन डेवलप होगी वो वी बी है। तो इस तरीके से दो रिएक्शन हमने अज्यूम कर ली, वी ए और वी बी। इसके बाद हम रिएक्शन की कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू हमारा जो भी इस बीम के ऊपर लोड लग रहे हैं वो होंगे, उनका समेशन होगा। तो जैसे इस बीम के ऊपर एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा पूरा वो होगा 20 इंटू टोटल जो ये लेंथ तक लगा हुआ है, ये 7 मीटर की लेंथ तक लगा हुआ है। इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो 20 × 7 होगा, यानी कि 20 × 7, और प्लस एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। जो टोटल लोड हो गया वो 20 × 7 + 10 हो गया, यानी कि 20 × 7 तो 140 + 10 यानी कि 150 किलो न्यूटन। तो वी ए प्लस वी बी बराबर हमारा 150 किलो न्यूटन आ गया। इसके बाद हमारी जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो मोमेंट से आएगी। तो मोमेंट हम ए पॉइंट के अबाउट लेंगे, जो इसका बीम का ए पॉइंट है उसके अबाउट हम मोमेंट की गणना करेंगे। और जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है कि जिस पॉइंट पर हमको मोमेंट निकालना है और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो फोर्स लग रहा है वो उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा मोमेंट होगा। तो यहाँ पर जो वी बी है, वी बी रिएक्शन है जो बी पॉइंट पर है, इसकी जो दूरी है वो 5 मीटर की है, तो इसका जो मोमेंट हो जाएगा ए पॉइंट के अबाउट रिएक्शन बी का, रिएक्शन जो बी पर आ रही है वो वी बी इंटू 5। तो वी बी इंटू 5 हमारा मोमेंट हो गया, इज इक्वल टू हम करेंगे जो हमारा यूडीएल है हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो जितनी दूरी तक लगा हुआ है, यानी कि ये 7 मीटर तक लगा हुआ है, तो 20 × 7 तो ये टोटल फोर्स हो गया। अब इसकी जो दूरी होगी वो इसके सेंटर से ली जाएगी, यानी कि 7 मीटर तो इसकी टोटल दूरी तक लगा हुआ है, और इसका जो सेंटर होगा वो 7/2 पर होगा, तो इसका मोमेंट होगा वो 20 × 7 × 7/2 होगा। तो ये यूडीएल का मोमेंट हुआ। यूडीएल के मोमेंट में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी दूरी तक ये लगा हुआ है उस दूरी का हाफ करके हम मोमेंट की गणना करेंगे। उस दूरी को जो हाफ करेंगे वो उसकी उस पॉइंट से दूरी को बताएगा, और प्लस 10 इसका
टेन इंटू सेवन जो पॉइंट लोड है हमारा, उसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 7 मीटर की है, तो 10 × 7 उसका मोमेंट हो जाएगा। तो 5 VV बराबर हमारा हो जाएगा 490 + 70, यानी कि VV इज इक्वल्स टू 560/5, यानी कि VV इज इक्वल्स टू 112 किलोमीटर। तो जो VV आया हमारा वो 112 किलोमीटर आया, और जो हमारा VA होगा वो जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी VA प्लस VB इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर, वहाँ पर हम VB की वैल्यू रखेंगे 112 किलोमीटर, तो VA जो होगा हमारा वो 150 - 112 यानी कि 38 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा VA आ गया 38 किलोमीटर। तो हमने रिएक्शन निकाल ली है, बी पॉइंट पर हमारा जो रिएक्शन है वो 112 किलोमीटर है, जबकि जो ए पॉइंट है वहाँ पर हमारा जो रिएक्शन है वो 38 किलोन्यूटन है। इसके बाद हम चलते हैं शीयर फोर्स की कैलकुलेशन के लिए। तो शीयर फोर्स की कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले जो सी और बी है इनके बीच का जो सेक्शन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम सी और बी पर देखेंगे, तो सी और बी के जो सी और बी जो पॉइंट हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहे हैं हमारे, जस्ट हम राइट हैंड साइड ऑफ बी देखेंगे तो एक तो पॉइंट लोड है हमारा और एक UDL है। तो शीयर फोर्स एट सी यानी कि सी पॉइंट पर जो शीयर फोर्स है वो केवल 10 किलो न्यूटन होगा जस्ट सी के ऊपर 10 किलो न्यूटन होगा। और उसके बाद हम देखेंगे बी पॉइंट तक ये बढ़ता जाएगा क्योंकि UDL भी हमारा पिक्चर में आएगा। तो UDL का जो शीयर फोर्स है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, फोर्स इंटू जिस दूरी पर हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे हम जस्ट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ बी पर आएँ यानी कि बी से थोड़ा सा आगे, तो वो हो जाएगा 10 किलोन्यूटन प्लस 20 × 2, यानी कि 20 × 2 तो 40 हो गया, और प्लस 10 था हमारा तो वो 40 + 10 यानी कि 50 किलोन्यूटन हो गया। इसके बाद हम जैसे बी पर आएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो 112 किलोन्यूटन की है। तो उस रिएक्शन की वजह से जो शीयर फोर्स है वो प्लस 50 और माइनस 112 हो जाएगा, यानी कि वो -62 किलोन्यूटन हो जाएगा। तो जो शीयर फोर्स है जस्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी जो है वो 62 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा शीयर फोर्स है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी 10 + 20 × 2 - 112 यानी कि -60 किलोमीटर। उसके बाद जैसे हम शीयर फोर्स निकालेंगे अब ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर शीयर फोर्स निकालने के लिए 10 हमारा जो था वो पॉइंट लोड था, फिर उसके बाद प्लस 20 × 7, 20 जो था वो UDL था और जो इसकी दूरी है ए पॉइंट तक वो 7 मीटर की है, और उसके बाद जो VV पर रिएक्शन थी वो -112 किलोन्यूटन की थी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस 38 किलोन्यूटन आएगा। तो जो शीयर फोर्स है बी पॉइंट पर जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी पर -62 किलोन्यूटन था, जबकि जो ए पॉइंट है वहाँ पर वो प्लस 38 किलोन्यूटन हो गया। तो यहाँ पर -62 किलोन्यूटन से वो प्लस 38 किलोन्यूटन हो गया। तो इस तरीके से हमने ये शीयर फोर्स की कैलकुलेशन करी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शीयर फोर्स है उसने अपना साइन चेंज कर लिया है बी से ए पॉइंट के बीच में, तो हमें वो वाला पॉइंट निकालना है जहाँ पर जो ये शीयर फोर्स है वो ज़ीरो होगा। तो हम मान लीजिए एक पॉइंट, एक दूरी एक्स लेते हैं जहाँ पर जो कि शीयर फोर्स है वो ज़ीरो है, तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो एक्स पॉइंट पर जो शीयर फोर्स है वो आएगा प्लस 10 + 20 × x - 112 = 0।
तो 20 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 102, तो एक्स बराबर 5.1 मीटर फ्रॉम सी पॉइंट। तो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट हमारा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का पॉइंट है, उससे 5.1 मीटर की दूरी पर हमारा जो शियर फोर्स है वो ज़ीरो होता है। तो इस तरीके से हमने ये जो शियर फोर्स इस बीम के ऊपर जहाँ पर ज़ीरो होगा वो वाला पॉइंट कैलकुलेट कराया, और जो उसकी दूरी है ए पॉइंट से वो 1.90 मीटर होगी। तो अब जिस पॉइंट पर हमें ये शियर फोर्स ज़ीरो है, हमने उसको ई नाम दिया है यहाँ पर। इसके बाद हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो बेंडिंग मोमेंट की करेंगे। तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। इसके बाद जो बेंडिंग मोमेंट है हम वो बी पॉइंट पर निकालेंगे। तो बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी, -10 × 2, यानी कि जो पॉइंट लोड है उसकी दूरी बी पॉइंट से 10 × 2, इसके बाद -20 × 2 जो यूडीएल है हमारा 20 किलोमीटर पर मीटर का, और उसकी जो दूरी है वो 2 मीटर तक लग रहा है। अब यहाँ पर जब हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो हम फिर जो हमारी दूरी है उसका सेंटर लेंगे, तो उसका हम 2/2 करेंगे। जितनी दूरी हमने ली है उसका सेंटर निकालने के लिए 2/2 करेंगे, तो ये हो जाएगा -20 - -40, यानी कि -60 किलोन्यूटन मीटर। तो इस तरीके से जो हमने बी पॉइंट है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाला, -60 किलोन्यूटन मीटर। इसके बाद जो है हम जो ई पॉइंट है हमारा उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। ई पॉइंट पर जो है वो शियर फोर्स है वो ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लोड पे चलते हैं, जो हमारा एक्सट्रीम राइट पर है वो है 10। तो 10 × उसकी जो दूरी है वो 5.1 है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो -10 × 5.1, फिर -20 जो हमारा यूडीएल है उसकी जो दूरी है वो 5.1 है, और उसका जो मोमेंट के लिए हम दूरी लेंगे वो 5.1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो मोमेंट आएगा यूडीएल का। इसके बाद जो रिएक्शन है हमारी बी पॉइंट पर, जो रिएक्शन थी वो 112 किलो न्यूटन थी, और इसकी जो दूरी होगी ई पॉइंट से वो होगी, ए और ई की जो दूरी है वो 1.90 मीटर है, जबकि ए और बी की जो दूरी है वो 5 मीटर है। तो 5 में से हम 1.9 माइनस कर देंगे, 5 में से 1.9 माइनस करेंगे तो वो 3.1 मीटर आएगा। तो इसका जो मोमेंट होगा वो 112 × 3.1 होगा। तो -10 × 5.1 -20 × 5.1 × 5.1 बाई 2 और +112 × 3.1, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 36.1 किलो न्यूटन मीटर आएगा। तो इस तरीके से हमने ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाला, और जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो दोबारा ज़ीरो होगा। तो ए और जो सी पॉइंट है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगा, और जो ई पॉइंट है हमारा यहाँ पर शियर फोर्स ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से हम ओवरहैंग बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करके हम ये भी निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पर शियर फोर्स है वो ज़ीरो हो रहा है, और उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आएगा। तो ये जो ओवरहैंग बीम थी, इसमें इसकी एक साइड ओवरहैंग थी,
इसी तरीके से जो बोथ साइड ओवरहैंग बीम भी हो सकती है। थैंक यू।